नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर नगर थाना क्षेत्र शुभंकरपुर की आ रही है। जी हां, वहां सवा महीने पहले अपने चाची को 26 बार चाकू गोद कर मार देने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां, अपने चाची को 26 बार चाकू गोद कर हत्या कर दिया गया था। तभी से रवि कुमार दरभंगा में छिप छिप कर रह रहा था, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इधर पीड़ित परिवार पुलिस पर दबाव बनाए हुआ था कि रवि कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वहीं रवि कुमार नगर थाना पहुंचकर खुद को सिलेंडर किया। आगे देखिए क्या है पूरा मामला। पहले मीडिया सामने हम बोल रहे हैं, मैं मीडिया का फोन करके खुद आया हूँ। फोन कर गया, किसको फोन किया बताओ? कौन सा मीडिया फोन किया बताओ? कौन सा मीडिया फोन किया बताओ मेरे को? आपको फोन किया सर? आपको फोन किया सर? आपको फोन किया है? शांत हो जाइए सर, जो अच्छा लग रहा है वो आप देख लो, क्योंकि मैं आया हूँ। उसको बुला, उसको सच्चा बोले से मार रहा है, ये देखो मुझे सच्चा बोले ले दिया जा रहा है, मतलब को मुझे पकड़ाया जा रहा है। इतना दिन कहाँ थे तुम? जी सर, हम इतना दिन यहीं पे थे, कहीं गए नहीं, भागे नहीं थे। अच्छा, तो फिर पुलिस को आज सरेंडर किए इतने दिनों के बाद? जी सर, सिलेंडर की कुछ मजबूरी है जो करना पड़ा है। अच्छा, कुछ आदमी मजबूर किए हैं हमें, तो हमें करने पे मजबूर किया है। ये जो अपराध आपने किया है उसके बाद जो भागे, इस पे आपको क्या कहना है? जी सर, हम भागे नहीं थे, इसमें जो मर्डर हम नहीं किए थे, इसमें मर्डर कोई दूसरा आदमी किया हुआ, हमें भागने का कारण है सर। कितने दिनों से कहाँ थे आप? कितने दिनों से सर, मैं यहीं पे था। किसने किया मर्डर? आपका क्या मर्डर करने वाला सर? मेरा छोटा भाई है, दो भाई है, वो मर्डर किया हुआ है। क्या नाम है उसका? गणेश कुमार है और अमित कुमार है। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या एविडेंस है इसका? एविडेंस सर मैं खुद हूँ सर, क्योंकि मर्डर करने समय मैं घर में था सर, सोया, मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया था सर, पर 10 बजे मैं रूपम ड्रेस में सेल्समैन का जॉब करता हूँ सर, मैं वहाँ जाने वाला था सर, 9:30 बजे मैंने उठा, दिन दहाड़े सर इसको हत्या किया गया मैंने आपके सामने में। जब मैं बचाने के लिए सर गया था वहाँ पे, चाची का हत्या कर दिया गया, जब मैं उसे बचाने का कोशिश किया, उससे पहले वो लोग हल्ला कर दिए कि रवि कुमार मार के भाग गया। आप कहाँ सरेंडर किए? सिलेंडर सर हम करने नहीं आए सर, हमने जब खून पाता तो 12 बजे मैंने नगर थाना में कॉल किया था। नहीं, तो आज आपने सिलेंडर कहाँ किया, किसके पास किया सिलेंडर? अभी सिलेंडर मैंने इस सर के पास किया है। अभी आप गाड़ी से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन ला करके छोड़ा आपको यहाँ? मेरे पापा जी ला के छोड़े हैं। आपके पापा? जी सर। आप पापा के टच में थे? जी सर, मैं पापा के टच में नहीं थे सर, मैं सर कहीं पे यहीं पे था सर, क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है और मेरे खिलाफ पूरा गाँव वाला को भड़काया गया है सर, मेरे खिलाफ कोई अभी तक मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है कि मेरे तरफ से कोई कुछ बोल सके। पता चला कि आप दिल्ली में थे कुछ दिन? दिल्ली नो में सर, मैं दिल्ली में नहीं था सर। आप सरेंडर करना? अच्छा, बार बार फोन भी आता था धमकी देने के, ऐसे आरोप लगे हैं? फोन मैंने, हाँ सर मैंने एक बार कॉल किया था, वो मैंने सुभाष चाचा को मैंने कॉल किया था, उसे मैं बोला था, धमकी दिया था, मगर धमकी मैं उसको दिया था क्योंकि उसका बेटा खून किया था ना, कि मैं मनोज मोतो को धमकी दिया था सर, इसलिए मैं बोला था उसे कि को मरवाने में उसका हाथ। सुभाष कौन? सुभाष वो मेरा चाचा मेरा है। उसका बेटा खून किया है? जी सर, उसका दो एक बेटा, एक उसका भतीजा, उसका जो है ना ये क्या करे ये शाहरुख का बेटा एक है, अमित कुमार नाम है, उसको रात में बुलाया गया था शनिवार को। सीधी सी बात। अच्छा, आप क्यों भाग गए थे? जब हम भागे नहीं थे सर, हम भागे इसलिए थे जो पब्लिक मूवमेंट था सर, हो सकता है कि हमको मरवा देता उस समय में, क्योंकि मेरा देह में पूरा खून लगा हुआ था सर, सबको लग रहा है कि मैंने मारा सर, मैंने नहीं मारा। आपको खून कैसे लगा? खून क्योंकि मैंने बचाने गया था उसे, जब तक वो मेरे हाथ में डेट किया है ना, कि वो रास्ता में कहीं डेट किया, मेरे सामने में डेट किया, मेरे पास डेट किया। आपको अपने पक्ष में क्या कहना है? मेरा कहना है कि सर मैंने सीबीआई जांच चाहिए सर, मेरे को सीबीआई जांच चाहिए, इसलिए मेरे को सीबीआई चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ कोई नहीं है,
सबको अपने तरफ कर लिया गया पूरा गांव लाकर, सबको लग रहा है कि मैं गुनहगार हूँ। इससे पहले भी नरियासराय में एक चोरी भी हुई थी, इससे पहले सिर्फ दारू के बात है, यही समझ। आपका बेटा दारू बेचता है? मेरा बेटा भी बेचता है, मेरा भाई भी बेचता है। कौन भाई भी बता? देखिए मेरा दो भाई इसमें शामिल है, जैसे कि कमोद मोतो हुआ तो बेचारा जेल में थे, छूट के आए हैं दो तीन दिन पहले। अच्छा, सुभाष मोतो थे, ये थे, हम बॉन्ड भी घर में बनाए। हाँ। जिसके पास में अगर दारू निकल गया हाँ। तो उसको अब 11,000 रुपया जुर्माना लगेगा। सर अति के साथ बॉन्ड के साथ सबके घर में पड़ा हुआ है, आप उसको मंगवा कर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका नियम का भी काम खत्म हो गया, ये नियम नहीं है। आपका जो भाई, एक मिनट, आपको क्या पता चला हत्या के बारे में? क्या पता चला आपके बेटे के अलावा और आपके परिवार के कौन कौन लोग उस हत्या में शामिल थे, पूरा पता क्या चला आपको? ये तो हम अभी नहीं बता सकते सर, इसलिए खुद से इससे हम बात नहीं किए। हम सिर्फ यही था कि किसी तरह हमको मिल जाए जो हम इसको। आप जब आज लेकर के आए हैं उसको कुटोना से, आप कह रहे हैं कुटोना से मैं लेके आया, तो आपने पूछा होगा ना, बात किया होगा, गाड़ी में बातचीत हुई होगी? बात हुई है, लेकिन बोला पापा हम नहीं मारे हैं, जो हम गए थे हम सोए हुए थे, 11 बजे ड्यूटी सेवे किए, ये विशाल अति में काम करता है विशाल में, तो उसमें आप सीसीटीवी भी देख सकते हैं। 11 रात में आए सोए हुए थे, भोरे मम्मी से तुतु में हो रही थी, उसके बाद मम्मी चली गई दुकान पे, और उसके बाद यानी फिर यानी कि हम उठे जब से वो चिल्ला रही थी चाची, हम गए पकड़ने के लिए, देखे उसको फूल लगा हुआ ऐसी थी, तो चाची गिर गई, और उसके बाद वहीं से मेरी जो भतीजी और है वो बोला कि ये रवि भैया मार दिया, रवि भैया मार दिया, और वो सब हल्ला करने लगा था, हम वहाँ पर से भाग। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। घर कहाँ आपका? शुभंकर। अमित कुमार कौन है? मेरा मौसी का बेटा है। वो क्या उस दिन वहाँ था? हाँ, रूम में थे। सब अंदर में था, अंदर रूम में नहीं था, ये था स्पोर्ट पर, ये था हमारे पर, हमारे पत्नी है, हमारे भतीजी है, सो था स्पोर्ट पर। ये सब जो गवाही देगा था कहता यह सब मारा है, ये सब स्पोर्ट पर है, इसीलिए बोला सब कहा फंसा देंगे, ये भी हमारा रिकॉर्डिंग है, हर चीज हम रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं, हमको कहा कि हम डूबेंगे तो डूबेंगे, हम सबको लेकर डूबेंगे। ऐसा क्यों बोला, कोई राज जानता है कि आप लोग का? इसलिए कहता है कि हम लोग गवाह है ना, हमारे पत्नी गवाह है, हमारे भतीजी गवाह है, ये हमारे लड़का गवाह है, हम सब गवाह है, इसीलिए कहता है कि डूबेंगे तो सबके लेकर डूबेंगे। नहीं नहीं, ये शब्द क्यों बोला, लेंगे तो सब, मतलब कोई आपके लोग का कोई राज जानता है? राज नहीं जानता, राज इसलिए जानता है कि जमीन के लेके हमारे सबके करीमानी हमारा भैया से लेके विवाद चलता था पहले से, आप लोग पहले से। अच्छा ये बताइए, आज उन्होंने सरेंडर जो किया है जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? इतने दिन से वो फरार चल रहा था, आज सरेंडर किया है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना तो चाहते हैं इस बात की, तो सरेंडर किया है वो तो अच्छा बात किया, अब हम सब 20 कितना दिन हो गया, करीब 2 महीना के टोटल हो रहा है, 2 महीना से हम बाल बच्चे लेकर सही से न सोते हैं, हमको रोज डेली मारने का धमकी देता है, और रिकॉर्डिंग हमारे पास में जया जिया फोन किया हमको मारने का धमकी देता है, तैयार तैयार टोटल रिकॉर्डिंग हम करके रखे हुए कि हम तुमको फंसा देंगे, तुम मर्डर में हो तो तुम पैसा दिए हो, तुम फन्ना किए हो, टोटल चीज खाली यही बात खाली बोलता है हमेशा। अभी क्या लगता है, अभी पुलिस हिरासत में आ चुका है अपने आप को सरेंडर करके, तो मामला जो है उसमें न्याय की कितनी उम्मीद जगी है आपको? आप प्रशासन ना कहेंगे कि आप क्या करेंगे या नहीं करेंगे, सो हम लोग तो अब इसमें आपका प्रशासन के हवाले हुआ तो प्रशासन या बताएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे सुभाष महतो। आप कौन है उसके? कौन है उसका? आरोपी का हम चचा हुए, सजरा चचा। वो जैसे कह रहा है कि सीबीआई या सीआईडी जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सबके तरफ से। अभी गाड़ी में आप अपने बेटे को लेके आए, कहाँ से लेके आए? सर जी हम कुटौना से। कुटौना से? इतने दिनों कहाँ तक छुपा के रखे थे अपने बेटे को? हम सर जी हमको मालूम ही नहीं था, हमको रिंगो करते थे, रिंग कट के सूझ जाता था, हम 15 दिन से थाना पर। तो फिर आप कुटौना उसको लाने कैसे पहुँचे? वो परसों गुना बात किया, बात जब किया तो बड़ा बाबू के बोले कि हम आ रहे हैं, तो हम लोग खुशी हुए कि चलो भाई आ रहे हैं। किससे बात किया था? बड़ा बाबू से, हमसे भी बात किए और बड़ा बाबू से भी। अच्छा, फोन पे? मेरे मोबाइल पे। सरेंडर के लिए? सरेंडर के लिए। ठीक है, तो ये नहीं आया, नहीं आया तो हमको जो नंबर से कॉल किया था वो हमको थोड़ा अनुभव हो गया कि ये लोकल में है, यही 40-50 किलोमीटर के अंदर में होगा। हम बड़ा बाबू के बोले सर जी हमको 2-3 दिन का टाइम दीजिए, आप हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, लिख कर देते हैं, लिख कर आए हैं, जो अगर 2 दिन में अगर मेरा सफल हो गया तो हम साथ में आवेंगे, अगर सफल नहीं हुआ तो हम 3रा दिन जो है आपको थाना पर हम खुद हाजिर हो जाएंगे।
यानी आप अपना सरेंडर कीजिएगा। अच्छा, आपके बेटे पे जो गंभीर आरोप लगा खुद की चाची को मारने का, कितनी सत्यता है और आप क्या समझते हैं अपने बेटे? तो देखिए सर जी, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम तो थे नहीं, अगर हम रहते तो ऐसा नौबत भी नहीं आता। घटना के दिन आप नहीं थे? नहीं थे। तो अगर वहाँ पर जब मान लीजिए मेरा बेटा मारा, हम तो थे नहीं, न मेरा मनोज यहाँ, जिसका पत्नी मरी है वो भी यहाँ नहीं है, वो दुबई है। हम मान लीजिए गाड़ी लेकर थे, सुभाष महतो अपना पूरे परिवार के साथ घर पर थे, मेरी भाभी थी, मेरी बेटी पुतौ और मेरे वाइफ, ये सब घर पर थी। जो यानी कि न्यूज में देखे तो उसके बाद जब वहाँ पर जब सब लोग थी तो सिर्फ टॉर्चर मेरे ही परिवार को क्यों हुआ, उन लोगों की तो थी। लेकिन आपके फैमिली के जो बाकी भाई लोग हैं और उस घर में जो फैमिली के लोग हैं, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा था इसमें आपके बेटे के बारे में, कहा कि उन्होंने चाकू से गोद करके मारा जी। तो इतने सारे जब पूरा परिवार कह रहा है तो उस बात पे क्या आप यकीन करते हैं? ठीक है, मान लीजिए सर जी, इस पर इतना हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी 26 चाकू मार सकता है। सर क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि इसमें कुछ साजिश है, और अगर माली मार भी रहा था तो वहाँ पर जो मान लीजिए जो भी था, मेरे भाभो थी, मेरा यानी इससे भी ताकतवर मेरा एगो यानी सारू का बेटा है, जो मेरे भाई का सारू का बेटा रहता है, मेरा भतीजा रहता है, मान लीजिए भतीजी रहती है, मान लीजिए वो सब क्या उसको फ्री छोड़ दिया कि तुम मारो और हम गवाह बनेंगे? क्या वाकई में पपीता की लड़ाई थी या नहीं, कुछ नहीं, और भी लड़ाई है आप लोग के बीच? पपीते की लड़ाई नहीं है। किस चीज़ की लड़ाई थी? पपीते की लड़ाई नहीं है, ये आपको न जमीन